मोहित के खिलाफ इस युद्ध में मैं आप लोगों के साथ हूँ। यस! क्योंकि इस युद्ध में अंत में विजय सत्य की ही होगी। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। हाँ अंकल जी, अभी आप देखना हम सब लोग मिलके और मोहित शाह कैसा वाट लगाता है। मैं भी। नहीं 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 समधन जी, आराम से समधन जी। मैं भी आपके साथ ही हूँ समधी जी, मेरी कमी महसूस मत होने देना, बच्चों को संभाल लेना। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जब आप साथ हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तैयार हूँ समधी जी। अपूर्व बेटा बताओ कौन सा सीन करना है सबसे पहले। अंकल सबसे पहला सीन होगा रोहन खान को बाटली में उतारने का। बेटा ये रोहन खान हमारी बाटली में उतर तो जाएगा ना। ओ बाबूजी लकी सिंह का प्लान जो कभी भी फेल नहीं हो सकता। पंजाबी इतनी अच्छी कैसे बोल लेते हो बेटा? मेरा एक दोस्त था जलंधर में जिसका नाम लकी सिंह था, हम दोनों में बहुत ऐसे यारी थी। अच्छा। तो जब भी उसकी याद आती है तो अपने अंदर लकी सिंह की आत्मा आ जाती। बेटा आई मस्ट टेल यू आर अ वेरी गुड एक्टर। और मैं परेश भैया सब तैयार है ना? अरे दादा एकदम टेंशन मत लो, सब प्लान रेडी है। अभी हम तुम्हारे सामने में प्लान को रिवाइज करेगा। हाँ। अगर किधर भी मिस्टेक करेगा तो हमको टोक देना। अभी जैसा ये लोग रोहन खान का ऑटोग्राफ लेता है, हमारा पांटर लोग जाके रोहन खान का ऑटोग्राफ लेगा और वही टाइम में अपना राजू स्टीवन कैमरून बन के इधर में आएगा हॉलीवुड का डायरेक्टर बन के, तो हमारा ये पांटर लोग इसको छोड़ के उसको ऑटोग्राफ लेने भागेगा। राजू को क्यों इन्वॉल्व किया बेटा? आई डोंट लाइक हिम, नकारा निकम्मा, कहीं गलती कर देगा तो। नहीं 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 गलती नहीं करेगा, टैलेंटेड एक्टर है, आप उसका कमाल देखना। आगे बोलता है अभी क्या है, अपना जो राजू है जो स्टीवन कैमरून बन के आया है वो अपना ट्रिक से रोहन खान को गले मिलेगा उधर में। और ये नजारा मैं मोहित को दिखाऊंगा कि इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद रोहन खान देखो कैसी चापलूसी कर रहा है। तो सोच अगर स्टीवन कैमरून तुझे अपनी फिल्म में रोल देता है तो तू भी सुपरस्टार बन सकता है। राइट ओके, इसके आगे का प्लान पता है? हाँ। पंटर का बस्ती के। अरे दादा एकदम रेडी है, देखो अभी सीटी बजाएगा बाहर निकलेगा। रहन दो बेटा मैं बजाता हूँ। बोलो बोलो क्या कर रहे हैं? बोलो। हाँ डायलॉग बोल के दिखाओ। हाँ डायलॉग बोलना बोलना। अरे तुम सब लोग बॉलीवुड स्टार के ऑटो रिक्शा क्यों ले रहे हो? ऑटो रिक्शा ऑटोग्राफ। सर सर सर, अरे तुम सब लोग बॉलीवुड स्टार के ऑटोग्राफ क्यों ले रहे हो? वहाँ देखो हॉलीवुड का स्टार डायरेक्टर स्टीफन कांगरू आया है, उसके ऑटोग्राफ ले लो, चलो। कंगारू नहीं, कैमरून। नाम ही गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। हो गया। हो क्या क्या बताओ बोलो। हाँ अरे तुम सब लोग यहाँ बॉलीवुड स्टार की ऑटोग्राफ क्यों ले रहे हो? वहाँ देखो हॉलीवुड स्टार डायरेक्टर स्टीवन कैमरून आया, उसके ऑटोग्राफ ले लो। अरे एक मिनट, ये मोहित का फोन आ गया। अच्छा सुनो, अपनी अपनी पोजीशन से खड़े रहना। हाँ। कोई गड़बड़ नहीं करना, डायलॉग्स ठीक से बोलना। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। टिल्लू फिर हिल रहा है, तू पी के आया? नहीं नहीं चलो। ओ क्या हाल है चन्ना? मेरे मखान, मेरे दिल के डकान। ऑटोग्राफ प्लीज। वेरी बिग फैन ऑफ यू सर। हाँ ये कहना चाह रहा है हम आपके बहुत बड़े चाहक हैं। अरे ये देख यार, डार्लिंग ये है असली जिंदगी, बड़े लोगों की बड़ी बात है। ये थोड़ी कोई जीना है लल्लू। बिल्कुल सही कहता है लकी यार, मेरे पास पैसा तो बहुत आ गया लेकिन शोहरत के बिना कोई जीना है क्या यार?
अगर इस लाइफ में मैं हीरो ना बना ना तो मैंने कुछ भी नहीं किया यार। अरे तुम हॉलीवुड स्टार का ऑटोग्राफ क्यों ले रहे हो? वहाँ देखो हॉलीवुड स्टार डायरेक्टर स्टीवन कैमरून है, उसका ऑटोग्राफ लेने चलो। कैमरून कैमरून अबे यार है कौन? ऑटोग्राफ प्लीज। ये नया दबंग कौन है? अबे तू पागल हो, तेरा दिमाग खराब हो गया? चांद सूरज को देख के कोई पूछता है कि कौन है? अरे ये हॉलीवुड का चांद सूरज है। पहले इसको नहीं देखा कभी। हॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर स्टीवन कैमरून। उत्तरी अच्छा ऐ, मैंने अखबार में पढ़ा था ये इंडिया आया अपनी फिल्म बनाने। सारे बॉलीवुड के स्टार है ना, इसके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं उसकी फिल्म में काम करने के लिए। ऐ मेरे को लगता है रोन खान भी अपनी फील्डिंग लगा रहा है। आप मैं सर एक बहुत छोटा मोटा आदमी हूँ बस। वो लोगों ने कहीं मेरा शो देखा होगा इसलिए वो ऑटोग्राफ लेने आ गए सर। मैं वैसे आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सर मैं एक मामूली आदमी हूँ सर, मामूली आदमी। रिक्वेस्ट कर रहे हैं या डांट रहे हैं? अरे तेरी तो इधर डांट रहा है रोहन खान को। सर अगर आप एक बार मेरे गले मिल जाएंगे ना सर तो मेरी लाइफ बन जाएगी सर, मेरी लाइफ बन जाएगी सर। ये शॉट समझा रहा है वो, क्या बातों बातों में कहानी बता देते हैं फिल्म की। इंडियन मेंटालिटी देखा उसको पटाने के लिए, उसको शांत करने के लिए जफ्फी बांधी। रोहन खान भी बड़ा कमीना है यार। उतर रहा है बाटली में, उतर रहा है हमारे घेरे में आ रहा है। अंकल जी हम तो बोलता है दो दो पंटर लोग लगा है, बहुत मजबूत एक्टर है। सर ये आपका कौन सा मोबाइल है सर? सर इसमें ब्लूटूथ है सर, इसमें कैमरा है सर, इसमें अरे सर मेरे कमर में सर लोहे की रॉड पड़ी हुई है तो मैं झुक नहीं पाता हूँ सर, एक बार झुक जाता हूँ तो फिर मैं उठ नहीं पाता हूँ सर। अगर आप उठा लेंगे तो बहुत शुक्रिया होगा सर आपका। कोई कसर नहीं छोड़ी ये, इसने तो पैर पकड़ लिए। बड़ी चालू चीज है यार ये रोहन खान, मतलब चपलूसी की हद है ये। ओए लक्की इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है यार, यार थोड़ी बहुत चापलूसी करके अगर अपना काम मनता तो अच्छा ही है ना। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मुझे भी जाकर उनके पैर पकड़ लेने चाहिए यार, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। सीधा जाकर उनके पैर पकड़ लेता हूँ और कहता हूँ कि इस तरह जब तक हीरो नहीं बनाओगे तब तक आपके पैर नहीं छोड़ोगे। यार मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट, क्या कर रहा है तू? होते और तू क्यों परवाजी को अपनी पैन बना रहा है? तू देख नहीं रहा है, अखा खुली रख। ए हॉलीवुड वाले है ना चमचागिरी और चपलूसी के सख्त खिलाफ है। इनका ये मानना है कि जिस इंसान में टैलेंट नहीं होता ना कोई ऐसे मक्खनबाजी कर, अगर इनको खुश करना है तो टैलेंट दिखा। बेटा पैर पकड़ने के लिए झुकेगा ना तो पिछवाड़े में लात पड़ेगी। ओ यार लक्की तो मैं क्या करूं, मुझे स्टीवन सर के साथ फिल्म करनी है यार, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। तू टेररिस्ट बन जा। हाँ हाँ स्टीवन कैमरून के फिल्म में घुसने के लिए तू टेररिस्ट बन जा। ओ, टेररिस्ट? फिर इसे किडनैप कर ले, उसे डरा, उसे धमका, उसे अपना टैलेंट दिखा और बाद में बता दे कि वो स्टीवन पाजी ऐ तो पूरा ड्रामा था। मैं बोलता हूँ 100% ऐ खुश हो जाएगा, ऐ खुश हो जाएगा और फिर तू इसकी फिल्म का हीरो बन जाएगा। वही लक्की जय हो गूगल बाबा की, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे भगवान का दूध मिलेगा और देख मुझे तू मिल गया, तो मेरे लिए वाकई में बहुत लकी। आजा गले मिल यार गले मिल। सक्सेसफुल हो जाएगा प्लान। हनुमान जी भी राम जी का दूध बन के लंका गए थे और लंका को जला दिया था। अब देख मोहित के बच्चे कैसे मैं तेरी लंका में आग लगाता हूँ। हाँ हाँ मैं बात करता हूँ। ओके
या हम तुम कौन गड्डी जा रही तू गड्डी पकड़ मैं इसको पकड़ तुम हमको छोड़ दो हम तो किडनैप हो गया चल किडनैप हमको चल बैठ जा चल बेटा हाय अगर अपनी माँ का दूध पिया तो सामने आ चुपट भाई कौन है ओ कोई नहीं जी कोई नहीं यहाँ पर कुछ काम हो रहा है बस कंटिन्यू कंटिन्यू अब इस जादूगर का डांस देख देख हर जादूगर सैया छोड़ मरी भैया हो गई नाज अब घर जाने दे हम भी यही कहता है कि हमको भी जाने जो बेटो क्या कर रहा है तू मखना तू इस तरफ बोलेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा यार रुमाल में तेरा पूरा टैलेंट छिप रहा है रुमाल हटा दे हाँ, ये देख तो फिर से करूं नहीं 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 अभी आगे कंटिन्यू कर शाबाश चल जली को राख कहते हैं बुझे को आग कहते हैं और उसमें से जो चिंगारी निकलती उसको विश्वनाश कहते हैं मुझे गुस्सा हो रहा है मुझे बहुत गुस्सा है देखा मेरी हंसी है ना अच्छी ये देखो मेरे दांत कैसे चमकते मोतियों के मतलब माँ माँ तेरा बेटा निकम्मा निकला माँ माँ मैं कुछ नहीं कर पाया माँ मैं कुछ मैं पागल हूँ मत मारो मुझे मैंने कुछ नहीं किया मत मारो मुझे शिवन सर 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 आप डरिए मत सर सर माय नेम इज मोहित आई एम नॉट अ टेररिस्ट सर मैं एक एक्टर हूँ एक मिनट सर ये सब तो मैंने आपको इम्प्रेस करने के लिए कहा था सर बस आप एक बार मुझे अपनी फिल्म में चांस दे दीजिए फिर देखिए मैं सबकी छुट्टी कर दूंगा सर प्लीज दे दीजिए तुम जैसा हमने हीरो नहीं देखा है आई एम शेफ मतलब तुम तो शेफ रोहन खान से भी बेटर है आज से तुम हमारा हीरो बाकी सब जीरो थैंक यू वेरी मच सर आई नो थैंक यू हमारा कंट्री में थैंक यू ऐसे नहीं बोलता है हक करके बोलते कम ऑन ये अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे देखना मोहित अब मेरी फैमिली तुझे कैसे नचाती है नहीं घर में ये सब लोग कौन घूम रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग मी नॉट पहचाना आई एम स्टीवन कैमरून ए हॉलीवुड डायरेक्टर एंड दिस इज मेरी टीम माय टीम आई पता नहीं धन घड़ी धन भाग है मेरे मुझे पता ही था कि मुझे हॉलीवुड के डायरेक्टर ही साइन करने आएंगे प्रीति पल्लवी पानी लाना चाय लाना रुकिए हाँ जरा माँ तूने मुझे पहचाना नहीं मैं स्टीवन कैमरून नहीं हूँ माँ मैं राजू अरे ये देखो ये है तुम्हारे बेटे और ये है तुम्हारी बहुएं ये क्या हुलिया बना रखा है अपना फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हो क्या? अरे नहीं माँ हम लोग किसी फैंसी ड्रेस पार्टी में नहीं जा रहे हैं बल्कि इसमें गेटअप करने की क्या जरूरत है पल्लू साहब स्कार साहब मासे कहिए अगर हम मोहित जी के सामने ऐसे नहीं जाएंगे ना तो वो हमें पहचान जाएंगे बराबर बोला है और हम उन्हें यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम फिल्म जगत के ही लोग हैं इसलिए राजू जी बने हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन कैमरून हाँ
और हम उनके असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रीति जी बनी है उनकी कोरियोग्राफर। यस। वन टू थ्री एंड एक्शन। फाइव सिक्स सेवन एट। क्या करता है तू? माजी हम है राइटर अमर अकबर एंथोनी और हम बनाता है सारा फिल्मी कहानी का भेलपुरी। आ मेरे को नहीं पूछा मैं क्या बनने वाली हूँ। हाँ? हाँ, तू क्या बनी है? पोस्टमैन। अरे माँ भाई पोस्टमैन ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं वो फिल्म का वो होता है ना वो जो पैसा लगाता है यार क्या बोलते उसको बुकी बुकी फाइनेंसर। आ वही उसकी बॉडी गार्ड बनी हूँ। अरे बिल्कुल सही कास्टिंग की है तेरी। और पंकज बेटा तू क्या बना है? माँ जी हमने तो आज तक छायाचित्र यंत्र से एक छायाचित्र भी नहीं निकाला और अपूर्व भैया ने हमें छायांकन करने को कहा है। हाँ, मतलब छायांकन अर्थात सिनेमेटोग्राफी। हाँ। पंकज जी एक सीन का ही तो सवाल है आपको कौन सा जिंदगी भर कैमरा के पीछे बैठना है? बस एक बार मोहित उन पेपर्स पे साइन कर लेना हमारा काम हो जाएगा। और आई सुनो सुनो जब तक उन पेपर्स पर दस्तखत नहीं हो जाते तब तक तुम लोग ये मत भूलना कि तुम लोग टेक्नीशियन हो। ओके अपने किरदार में रहो। करेक्ट। एकदम करेक्ट बोली तुम। ये तीनों कौन है? अरे अगर भाई हम इनके फिल्म का प्रोड्यूसर और फाइनेंसर है। शेख बीमार मराठी बोलता हुआ अरब। बीमार नहीं बीमार। और क्या हो गया है तुम्हें ऐसी भाषा क्यों बोल रही हो? ये तो मराठी कोई शेख हो ऐसा लग रहा है। शेख मराठी नहीं होते। अल 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 वाली भाषा बोलो। अल अल वल वल्ला वल्ला वल्ला। ओके ठीक ठीक अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो गांठ बांधो ना उषा। क्यों मोहित के सामने कुछ गड़बड़ कर दोगी तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। थिरु अब इसमें कैसे गांठ बांधो? अरे हाँ मैं साड़ी पहन के आऊँ क्या इस पे? रहने दो मेरी गलती है मैं सुधार लूंगा। और समधी जी आप क्या बने हो? मैं फाइट मास्टर धीशु मन्ना। अरे वाह धीशु तुम लोग ना सच में सब लोग फिल्म वाले लगते हो। थैंक यू थैंक यू। अपूर्व मुझे कॉस्ट्यूम इतना अच्छा नहीं लगा। हम कौन सी थीम पार्टी में जा रहे हैं? और वैसे भी तुम्हें कौन से 10 दिनों तक यही कपड़े पहनने बस 2 घंटों के लिए प्लीज। अरे बेटा वो समधी जी कहाँ है? ये क्या राजू है ना? मतलब राजू को पता है वो छोड़ने गया था। कहाँ छोड़ के आया पिताजी को? ओ, वो अंकल दाढ़ी गाड़ी में बैठकर मंदिर गए हैं। वो बोल रहे थे कि जब तक आप ये युद्ध जीत नहीं जाते मतलब जिस युद्ध में हम जा रहे हैं तब तक वो जप करेंगे ताकि हम जीत जाएं। हाँ हाँ उच्च विचार समधी जी आप महान हैं आप महान हैं। जाप करेंगे जाप। Let's rock and roll। समधन जी अब आप सिर्फ एक्शन बोलिए। Action!